दिल्ली सरकार की मुश्किल उसे समर्थन दे रहे विधायकों ने भी बढ़ा दी है। निर्दलीय विधायक रामबीर शौकीन ने सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है और आज वो उपराज्यपाल से मिलकर समर्थन वापसी की चिट्ठी सौंपेंगे। आपके बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी और कांग्रेस विधायक मोहम्मद आज से पहले ही सरकार के विरोध की बात कह चुके हैं। आपकी सरकार को समर्थन के मुद्दे पर कभी हाँ कभी ना करने वाले निर्दलीय विधायक रामबीर शौकीन एक बार फिर केजरीवाल सरकार से नाराज हो गए हैं। मुंडका विधानसभा सीट से निर्दलीय के तौर पर विधायक चुने गए रामबीर शौकीन ने केजरीवाल सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। रामबीर शौकीन आज उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलकर समर्थन वापसी की चिट्ठी सौंप देंगे। इंडिया टीवी से फोन पर बातचीत में रामबीर शौकीन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कल एलजी साहब से मुलाकात करता हूँ जी, लिखित में समर्थन वापस ले लूंगा। तो क्यों आप समर्थन वापस क्यों ले रहे हैं? बात ना मान रहे मेरी केजरीवाल। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको पहले बात करनी चाहिए, हर स्तर पे बात करने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद क्योंकि नहीं, 10 दिन पहले आश्वासन दिया था काम शुरू करवा दूंगा जल्दी, लेकिन कोई काम शुरू नहीं करवाया। रामबीर शौकीन के समर्थन वापसी के ऐलान के बाद केजरीवाल सरकार के लिए एक एक विधायक कीमती हो गया है। ऐसे में जेडीयू विधायक शोएब इकबाल ने केजरीवाल को राहत देते हुए कहा कि वो सरकार को समर्थन देते रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल खुद ही इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं। एलजी से मिलने जा रहा हूँ और जो आज की जो हालात पैदा हुए हैं, जो नई परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, उसको देखते हुए मैं एलजी के पास जा रहा हूँ। तो हम तो इसको पर मुद्दों को पर समर्थन दे रहे थे और देते रहेंगे। समर्थन वापस ले रहे हैं? नहीं, मैं समर्थन अभी वापस नहीं ले रहा हूँ। अभी तो ये खुद इस्तीफा दे रहे हैं तो मेरा समर्थन वापस लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि रामबीर शौकीन के समर्थन वापसी के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार का क्या होगा। आम आदमी पार्टी के 28 विधायक थे और कांग्रेस के समर्थन के बाद ये आंकड़ा 36 का हो गया। शोएब इकबाल और रामबीर शौकीन के सरकार में आने के बाद दिल्ली सरकार को 38 विधायकों का समर्थन मिल गया, लेकिन आपके विधायक विनोद कुमार बिन्नी की बगावत के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। फिर कांग्रेस के विधायक मोहम्मद आसिफ पटला हाउस इनकाउंटर की SIT जांच नहीं कराने से नाराज होकर सरकार का समर्थन नहीं करने का ऐलान किया। ऐसे में दिल्ली सरकार के पास सिर्फ 36 विधायकों का ही समर्थन बचा जो बहुमत के लिए जरूरी है। लेकिन अब निर्दलीय विधायक रामबीर शौकीन ने सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी है। ऐसे में दिल्ली सरकार के पास कुल 35 विधायकों का समर्थन बचेगा। इसमें विधानसभा स्पीकर भी शामिल हैं। यानी मौजूदा स्थिति को देखते हुए केजरीवाल सरकार संकट में लग रही है। ऐसे में जन लोकपाल बिल पास नहीं होने की सूरत में केजरीवाल ने इस्तीफे की धमकी दे दी है। कई जानकार मान रहे हैं कि केजरीवाल को भी अपनी सरकार के अल्पमत में आने का अंदेशा हो गया था। ऐसे में वो जन लोकपाल बिल पर इस्तीफा देकर शहीद के तौर पर सरकार से विदा होना चाह रहे हैं। अभिमन्यु शर्मा, इंडिया TV, दिल्ली।